तो देखिए क्या है, इसको ठीक तरीके से समझना है। जैसा हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि वाक्य, जो लोग झूठ बोलते हैं, अल्पविराम लगा हुआ है, मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल आपको पेपर में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा दिए गए विकल्पों में, यानी कि दिए गए इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन आपके सामने होंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, क्लियर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और साथ के साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वहां मिश्रित वाक्य होता है। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, यानी कि प्रधान उपवाक्य, बहुत ध्यान से सुनना, प्रधान उपवाक्य, जो लोग झूठ बोलते हैं, प्रधान उपवाक्य, मुझे अच्छे नहीं लगते, यानी कि आश्रित उपवाक्य, बहुत ध्यान से सुनिए। अरे जो लोग झूठ बोलते हैं, क्लियर, मुझे अच्छे नहीं लगते, ध्यान से सुनना। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो लोग झूठ बोलते हैं ये प्रधान उपवाक्य है, क्लियर, और मुझे अच्छे नहीं लगते ये आश्रित उपवाक्य है। किसके ऊपर आश्रित है? इसके ऊपर आश्रित है। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं, अल्पविराम का बिल्कुल भी वो ना करें। अल्पविराम आपको संयुक्त में भी देखने को मिल सकता है और मिश्रित में भी देखने को मिल सकता है, इस कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी भी बताया, देखेंगे जब आप राहुल खेल रहा है, खेल रहा है और अल्पविराम लगा हुआ है, मोहन लिख रहा है, तो अल्पविराम यहां भी है, लेकिन क्या है कि दो अलग अलग सरल वाक्य हैं, और जहां दो अलग अलग सरल वाक्य होंगे वहां संयुक्त वाक्य होगा। तो अल्पविराम से ये ना समझे कि ये संयुक्त ही होगा, मिश्रित होगा, क्लियर। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, यानी कि प्रधान उपवाक्य, और मुझे अच्छे नहीं लगते, यानी कि आश्रित उपवाक्य। और हमने अभी स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी है, इसकी परिभाषा, जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और साथ ही आश्रित अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वहां मिश्रित वाक्य होता है या मिश्र वाक्य होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर हायर लेवल में अगर हम जाएं, जैसे कि आप दरोगा लेवल का कोई एग्जाम दो, तो ये क्वेश्चन बनेगा, इसे ही दे देगा से और कहेगा इसका सरल वाक्य बनाइए, इसका सरल वाक्य बनाइए। तो ये हो जाएगा झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये ही दे दिया जाएगा सेम वाक्य, यानी कि मिश्रित है मालूम है, और दे दिया जाएगा इसका सरल वाक्य बनाइए, अगर एग्जाम में एसआई वगैरह देने जा रहे हैं ना, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या अन्य कोई अपर लेवल का एग्जाम, टेट वगैरह का एग्जाम, तो इसका सरल बनाने के लिए भी बोल दिया जाएगा कई बार। तो सरल कैसे बनाओगे? आराम से बना सकते हैं, झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, हो गया सरल, समझे आप। तो सरल से संयुक्त भी बनाया जा सकता है, संयुक्त से सरल भी बनाया जा सकता है, मिश्रित से सरल भी बनाया जा सकता है, सरल से मिश्रित भी बनाया जा सकता है, मोस्टली, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, मिश्रित वाक्य, क्लियर। और अगर इसकी बात सरल की करें, झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, सरल वाक्य, क्लियर। चलिए।